वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नू वाला पर। और दो क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, सॉरी दो क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज ये तीसरा क्वेश्चन पेपर है जो कि बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है दिसंबर 2022 का, क्योंकि अब आप जून 2023 के एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो कि कल आपका BECC 131 का एग्ज़ाम होने वाला है। लेकिन इससे पहले पेपर 6 महीने पहले दिसंबर 2022 में हुआ था, उसी लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने का मोटिव क्या होता है आपको पता होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करते हैं तो उससे हमें मोटा मोटा अंदाजा लगता है कि पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है ना, किन क्वेश्चंस को स्किप कर देना है, कौन से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। क्योंकि पेपर बहुत बड़ा होता है लेकिन हर जगह चॉइसिस हमारे पास होती हैं कि इस क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट करें, इनमें से केवल 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, तो बहुत सारी चॉइसेस है, तो क्यों ना हम उनका फ़ायदा उठाएं। इस क्वेश्चन पेपर को बहुत तसल्ली में हम डिस्कस करेंगे, उम्मीद है आपकी क्लास वास्तव में पसंद आएगी। और जितनी भी कंटेंट क्लास हमारी रह रही है वो भी मैं आपकी जरूर लूँगा, तो उसकी आप टेंशन ना लें, एक एक कंटेंट आपको कराया जाएगा, पूरी पास होने की आपकी तैयारी है। और अगर आपको इनके अलावा, जैसे ये पेपर तो आपका कल हो जाएगा, इसके अलावा कोई भी पेपर की आपको तैयारी की पूरी क्लासेस चाहिए, बुक वाइज क्लासेस चाहिए, कंटेंट क्लासेस चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, सर मेरा ये सब्जेक्ट कोड है और इसका एग्जाम इस तारीख को है, आप मेरी हेल्प करें, तो आपकी हेल्प जरूर की जाएगी। डन, तो चलिए इस वाले हम पेपर को शुरू करते हैं। और इस पेपर के अगर आप थोड़ा सा भी फोकस करेंगे तो ये पेपर आप देख पाएंगे कि ये पेपर बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है मेरे भाई। ये पेपर क्या है, बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है। देखिए, 2-3 बातें मैं हर क्लास में आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये यही बातें हमें कंफ्यूज करती है। आपको 2 बातें याद रखनी है कि ये जो क्लास है ये BAG के स्टूडेंट्स के लिए है और आपका जो सब्जेक्ट कोड है मेरे भाई वो BECC 131 है, जिसका एग्ज़ाम आपका 12 जून को होना है मेरे भाई। कब होना है? 12 जून को, यानी कल इसका एग्ज़ाम होना है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन पेपर है ये दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर है मेरे भाई। ये कब का क्वेश्चन पेपर है मेरे भाई? ये दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर है मेरे भाई, ये बात भी आपको याद रखनी है। डन, चलिए इस क्वेश्चन पेपर को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक क्वेश्चन को वहाँ पर कैसे अटैम्प्ट करना है। 2-3 ट्रिक भी आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पेपर इकोनॉमिक्स का अटैम्प्ट किया जाता है। एक बात आप याद रखिए, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर में आपसे जो चीज़ें पूछी गई हैं केवल आपको वही नहीं बतानी होती, बल्कि उससे रिलेटेड कुछ बातें और भी बतानी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे पूछा गया उत्पादन समान वक्र की विशेषता बताएं, तो आप डायरेक्ट उत्पादन समान वक्र की विशेषता मान नहीं बताएंगे, आप उससे पहले उत्पादन समान वक्र क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, उत्पादन संभावना वक्र में क्या क्या मेन बातें ध्यान रखनी है, क्या उसकी मान्यताएं होती हैं, उससे रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी आपको देनी होगी। घुमा फिरा आप ऐसा कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको उससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें बतानी पड़ती हैं, जब ही आपके 500 शब्द क्लियर हो पाएंगे मेरे भाई, वरना आपके 500 शब्द क्लियर नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि इसी क्वेश्चन पेपर को आप ध्यान से देखिए, इसमें 2 बातें आप नोटिस कर पा रहे होंगे। कौन सी वो 2 बातें हैं मेरे भाई? पहली बात तो ये कि क्वेश्चन पेपर आपका 100 नंबर का होने वाला है और दूसरा 3 घंटे आपके पास होंगे, तो क्यों ना इसको 500 शब्दों में जो हमें लिखना है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। साफ साफ क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है कि 500 शब्दों में आपको क्वेश्चन को आंसर को लिखना है, नहीं दिखाई दे रहा तो मैं इंडिकेट कर देता हूँ मेरे भाई, ये लिखा साफ साफ 500 शब्दों में आपको क्वेश्चन पेपर लिखना है। और कोई भी आंसर इतना बड़ा नहीं होता कि 500 शब्दों में लिखे, तो उसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, हर क्वेश्चन में आपको भूमिका लिखनी है, इंट्रोडक्शन लिखना है क्वेश्चन का, फिर उस क्वेश्चन का आपको मेन पार्ट लिखना है यानी मुख्य उत्तर लिखना है, मेन आंसर लिखना है, और तीसरा आपको हर क्वेश्चन के एंड में निष्कर्ष लिखना है। ये पैटर्न मैंने आपको पहले भी बताया था, भूमिका आप कम से कम 100 वर्ड की लिखें, मेन पार्ट 300 शब्दों का और निष्कर्ष आपका 100 शब्दों का, इस तरीके से आपके 500 शब्द का पैटर्न क्लियर हो जाएगा और तभी आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएंगे। चलिए भाई, इतनी सी बात आपको क्लियर हुई, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है, कल से ही है ना, कुछ स्टूडेंट तो मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि सर एक मांग वक्र का ढलान, जो एक मांग वक्र का ढलान होता है, एक मांग वक्र के किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, एक मांग वक्र के ढलान की बात कर रहे हैं, वो हमेशा नीचे की ओर क्यों होता है, एक नीचे की ओर क्यों होता है, कितने नंबर में? 10 नंबर में आपको ये बताना है। तो क्या एक छोटी सी बात बताने के लिए आप 10 नंबर में से कैसे लिखेंगे? क्योंकि आपको सबसे पहले बताना होगा मांग वक्र होता क्या है, मांग वक्र आपको बना के दिखाना पड़ेगा, टेबल आपको बना के दिखानी पड़ेगी। अगर मेरी क्लास लिए तो आप ये सारे काम कर दोगे आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। फिर आपको बताना पड़ेगा कि मांग वक्र का ढलान नीचे की ओर क्यों होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ मांग वक्र का ढलान नीचे की ओर क्यों होता है मेरे भाई, बताऊँ? ठीक है, देखिए इसको थोड़ा सा जूम कर लेते तो हमारे लिए जगह बन जाएगी यहाँ। ये लो, बना ली ना मैंने जगह, हूँ ना मैं जीनियस। चलो देखो, अगर मांग वक्र की बात करें मेरे भाई, तो मांग वक्र कुछ इस तरीके का होता है, ये तो आपको पता ही होगा। ये क्या है? हमारा मांग वक्र है। तो इसका मांग वक्र का ढलान नीचे की ओर क्यों होता है, चलिए मापते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, पेपर में इस तरीके का एक डायग्राम बना लेना है, इस तरीके का एक डायग्राम बना लेना है। इसमें आप एक चीज़ दिखाएंगे कि जब वस्तु की कीमत इतनी थी तो वस्तु की मांग इतनी थी, जब कीमत घट गई P1 हो गई तो वस्तु की मांग क्या हो गई, बढ़ गई, और वस्तु की मांग Q1 हो गई।
तो ये नीचे की ओर ढलान कैसे हुआ? ए से बी तक अगर आप देख पाएं तो इसका ढलान आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रहा होगा, ना कि ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर की तरफ जिसका ढलान होता है वो पूर्ति वक्र होता है, जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप एक बात यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हैं कि मांग वक्र का ढलान किस किधर की तरफ है? नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ इसका क्या है मेरे भाई? ढलान है। और उसका कारण क्या है? इसका पहला कारण तो ये है, मांग का नियम। पहला कारण क्या भाई? मांग का नियम। मांग का नियम जो कि ये दिखाता है कि कीमत बढ़ने पर मांग क्या होती है? घटती है। और कीमत घटने पर मेरे भाई मांग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यही मांग का नियम मांग वक्र दिखाता है, इसलिए इसका ढलान ऋणात्मक होता है। दूसरा, नीचे की तरफ होने का एक कारण यही है कि कीमत और मांग में, कीमत और मांग यानी डिमांड में कैसा संबंध होता है मेरे भाई? उल्टा संबंध होता है। और जब भी आपको उल्टा सहसंबंध पाया जाए तो ढलान हमेशा नीचे की ओर होगा, और इस ढलान को ऋणात्मक ढलान कहते हैं मेरे भाई। इस ढलान को क्या कहते हैं? ऋणात्मक ढलान कहते हैं। जब भी कहीं उल्टा संबंध पाया जाता है तो क्या कहते हैं हम? ऋणात्मक ढलान कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं मेरे भाई? ऋणात्मक ढलान कहते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? ये कुछ मैंने पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। ये आपको याद रखना है कि एक मांग वक्र का ढलान नीचे की ओर क्यों होता है, क्योंकि एक वस्तु की मांग और कीमत में उल्टा संबंध पाया जाता है। याद रहेगी ये बात। चलिए, एक क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको। अब बढ़ जाते हैं थोड़ा सा आगे। वापस आ जाओ भाई, अपने पेपर को अंजूम कर लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच निकालने की कई विधियां हैं जो मैं आपको बताऊंगा। पहली विधि तो आपने सुना होगा इसके बारे में, ज्यामिति विधि। क्या सुना होगा? ज्यामिति विधि। इसका प्रयोग करके एक सीधी रेखा मांग वक्र जो होता है उसकी स्थिति में मांग की लोच शून्य क्यों होती है और अनंत के बीच में आपको अंतर बताना है मेरे भाई। चलो इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करके आपको दिखाता हूँ। तो एक तो आपसे कहा गया है मेरे भाई, एक तो आपसे क्या कहा गया है कि एक सीधी रेखा जो मांग वक्र होता है, एक सीधी रेखा जो मांग वक्र होता है उसमें जो मांग की लोच होती है वो क्या होती है मेरे भाई? जीरो होती है। उसमें मांग की लोच क्या होती है? जीरो होती है। देखो कैसे। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसा एक वक्र बनाता हूँ जिसमें मांग वक्र को मैं ऐसा सीधा दिखाता हूँ। तो मांग वक्र को मैंने कैसे दिखाया मेरे भाई? एक सीधी रेखा दिखाया। ऐसी स्थिति में जो मांग की कीमत लोच होगी, जो मांग की क्या होगी भाई? कीमत लोच होगी। वो हमेशा क्या होगी? जिसे हम दिखाते हैं किससे? जिसे हम दिखाते हैं हमेशा मांग की कीमत लोच को हम दिखाते हैं डी बराबर यहाँ पर जीरो होगी। डी बराबर क्या होगी? जीरो होगी। कारण क्या है? इसे हम कहते हैं बेलोचदार मांग। क्या कहते हैं मेरे भाई? बेलोचदार मांग। बेलोचदार मांग इसे ही हम कहते हैं बेलोचदार मांग, जब मांग वक्र क्या हो? एक सीधी रेखा हो। यहाँ पर मांग वक्र क्या है मेरे भाई? एक सीधी रेखा है। मांग वक्र क्या है? एक सीधी रेखा है, ठीक है। और इस समय क्या होगा? कीमत चाहे आप कुछ भी रख लो, फॉर एग्जाम्पल P रख लो, P1 रख लो, P2 रख लो, P3 रख लो, लेकिन मांग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बेलोचदार मांग एक ऐसी कंडीशन होती है जब कीमत के बदलने से मांग पर कोई प्रभाव ना पड़े, कीमत बढ़े चाहे घटे, मांग समान रहे, ऐसी मांग को बेलोचदार मांग कहते हैं। फिर दूसरी आती है मांग की वैल्यू। मांग की कीमत लोच की वैल्यू अनंत कब होती है? मांग की कीमत लोच की वैल्यू अनंत तब होती है मेरे भाई। मांग की कीमत लोच की वैल्यू अनंत तब होती है जब मांग वक्र इस तरीके की एक सीधी रेखा हो, ठीक है। ये हो गया आपका मांग वक्र। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी? अनंत होगी। क्या होगी? अनंत, क्योंकि कीमत समान है लेकिन मांग कुछ भी हो सकती है। कीमत समान है तो मांग क्या हो सकती है? Q1 भी हो सकती है, Q2 भी हो सकती है, Q3 भी हो सकती है, Q4 भी हो सकती है। तो कीमत तो स्थिर है लेकिन मांग कुछ भी हो सकती है, इसलिए मांग की कीमत लोच क्या होगी? अनंत होगी। कीमत क्या है भाई साहब? बदल सकती है लेकिन मांग बदलेगी नहीं, इसलिए मांग क्या होगी? बेलोचदार मांग। और इसे कहते हैं पूर्णतः लोचदार मांग। इसे क्या कहते हैं मेरे भाई? पूर्णतः लोचदार मांग। क्या कहते हैं? पूर्णतः लोचदार मांग हम इसे कहते हैं। डन। दो क्वेश्चन आपको मैंने सोल्व करा दिए मेरे भाई, इसको आप नोट कर लेंगे कि कब मांग होती है आपकी पूर्णतः बेलोचदार और कब होती है पूर्णतः लोचदार। याद रखिए, जब भी ये मांग बेलोचदार होगी तो डी की वैल्यू जीरो होगी, जब भी मांग लोचदार होगी तो डी की वैल्यू होगी अनंत। डी की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई? अनंत। डन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हर क्वेश्चन को मैं सोल्व कराने की आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट पेपर है मेरे भाई, ये सबसे लेटेस्ट पेपर है। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या होती है मेरे भाई? सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या होती है? सामान्य वस्तु की स्थिति में घटती हुई क्यों होती है? मैं आपको बता देता हूँ सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या होती है। आपने एक वक्र का नाम सुना होगा, दैट इज आईसी वक्र। सुना है, इस तरीके का बनता है एक आईसी वक्र, इंडिफरेंस कर्व। इस इंडिफरेंस कर्व का जो ढलान होता है, इसका जो ढलान होता है, इस कर्व के ढलान को हम कहते हैं क्या? MRT। क्या कहते हैं मेरे भाई? MRT कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसमिशन। सीमांत प्रतिस्थापन की दर होती क्या है? एक वस्तु का उपभोग कम करके, एक वस्तु का उपभोग कम करके जब दूसरी वस्तु का उपभोग को बढ़ाया जाता है, जब दूसरी वस्तु के उपभोग को बढ़ाया जाता है तो उसे हम कहते हैं सीमांत प्रतिस्थापन की दर।
क्योंकि आपको पता है, मैंने ये बात आपको बताई थी, हर उपभोक्ता की आय लिमिटेड होती है, सीमित होती है। और अगर उपभोक्ता की आय सीमित होगी तो वो एक वस्तु को अगर उपभोग बढ़ाना चाहता है तो उसे दूसरी वस्तु का उपभोग कम करना पड़ेगा। और अगर एक वस्तु का उपभोग बढ़ाने के लिए वो दूसरी वस्तु का उपभोग कम कर रहा है तो एक लेवल में कम करेगा। फॉर एग्जाम्पल वो क्या कर रहा है, उसने एक तरफ आइसक्रीम ले लिया, भाई ये तो होगी भाई आपकी आइसक्रीम, ठीक है। और इसके अलावा एक आपने दूसरी तरफ ले लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया चॉकलेट, डन। अब फॉर एग्जाम्पल आप 5 आइसक्रीम खाते हैं और एक चॉकलेट खाते हैं, अब आप 2 चॉकलेट खाना चाहते हैं तो आपको आइसक्रीम एक कम करनी पड़ेगी क्योंकि आपकी इनकम सीमित है। तो आपने क्या किया यहाँ पर, जो त्याग किया है वो एक आइसक्रीम का किया है। और कितनी चॉकलेट आप पा पाए, एक चॉकलेट आप एक्स्ट्रा आपको मिली है, तो इसलिए MRT क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। इस तरीके से MRT निकाली जाती है। MRT का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। MRT का फॉर्मूला होता है आपका Δy/Δx। आप कहोगे सर ये तो कहीं सुना सुना सा लग रहा है, बिल्कुल। जब उत्पादन समान वक्र की MOC की बात की थी हमने, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी को सीमांत अवसर लागत की, तो वहां पर भी हम यही बात करते हैं Δy/Δx। याद रहेगा मेरे भाई ये वाली बात, MRT क्या होती है। और एक वस्तु की स्थिति में हमेशा घटती हुई क्यों होती है, ये कारण भी आप नोट कर लेंगे, जो मैं शब्द बोल रहा हूँ नोट करो, MRT एक वस्तु की स्थिति में हमेशा घटती हुई इसलिए होती है क्योंकि जब उपभोक्ता लगातार वस्तुओं का उपभोग करता चला जाता है, एक वस्तु का उपभोग लगातार बढ़ाएगा और दूसरे का कम करता चला जाएगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो उस वस्तु को दोबारा पाने की कोशिश करेगा जिसका उपभोग उसने कम किया है। आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये 2 मार्कर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक समय पर मैं दोनों मार्करों का उपभोग तो नहीं कर सकता क्योंकि ये दोनों मार्कर महंगे हैं, इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक समय पर एक मार्कर का उपयोग करता हूँ और दूसरे के उपभोग को त्यागता हूँ। तो मैंने क्या किया, हर बार इसको प्रीफर किया, बार बार क्या किया इसको प्रीफर किया और इसका उपभोग मैंने बंद कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं 10 ये वाले मार्कर खरीदता हूँ, 15 ये वाले, मैं चाहता हूँ ये वाले मार्कर मेरे पास 20 हो, तो मैंने इन्हें 8 कर दिया। फिर मैंने कहा मेरे पास 25 हो, फिर मैंने इन्हें 5 कर दिया। फिर मैं चाहता हूँ ये 30 हो जाए मेरे पास, तो मैंने इन्हें और कम कर दिया। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ये मार्कर मेरे पास ज़्यादा हो जाएंगे और ये खत्म होने लगेंगे, इसलिए मैं अब इन्हें कम से कम त्यागूंगा। और जब त्याग की दर घटती चली जाती है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं क्या, कि एक वस्तु की स्थिति में MRT हमेशा घटती हुई होती है। तो उम्मीद वाली बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे भाई। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हालांकि न्यूमेरिकल मैं आज आपको करा दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लेना। कि जब भी मैंने आपको बताया था, जब भी इन दोनों के बीच में क्या हो, माइनस का साइन हो, तो ये किसको दिखाता है मेरे भाई, ये दिखाता है कि ये समीकरण एक मांग समीकरण है। कैसा समीकरण है मेरे भाई, ये मांग समीकरण है। और ये बात तो आपको एक तरीके से और पता चल जाएगी क्योंकि क्यू के ऊपर डी लिखा हुआ है, तो ये मांग को दिखाता है, डी फॉर डिमांड। और ये जो एस दिखा हुआ है ये दिखाता है मेरे भाई पूर्ति को, ये किसको दिखाता है, पूर्ति को। चलिए न्यूमेरिकल सोल्व करने की कोशिश करते हैं। संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा का निर्धारण कीजिए। संतुलन कीमत का निर्धारण करना और संतुलन मात्रा का आपको निर्धारण करके मुझे दिखाना है कि कैसे आप संतुलन कीमत संतुलन मात्रा का निर्धारण करेंगे। आपको पता है संतुलन की स्थिति में QD बराबर होगा किसके, QS के। QD बराबर होगा किसके, QS के। D की जगह हमने लिख लिया 50-5P लिख लिया और QS की जगह लिख लिया हमने 5P। अब P वाले एक तरफ कर लो मेरे भाई, P वाले एक तरफ कर लिए तो हमें पता चला कि -5P = 50 होगा। ये माइनस का पहले से था, इधर आकर माइनस हो जाएगा। इतनी मैथमेटिक्स तो आती होगी अगर आपने इकोनॉमिक्स ले रखी है भाई ग्रेजुएशन लेवल पे, डन। इसके अलावा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 10P = 50, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के P की वैल्यू 50 / कितना भाई 10, तो भाई माइनस की 5 आ गई। तो कुल मिलाकर जो संतुलन कीमत है हमारी वो आ गई 5। संतुलन कीमत 5 क्या हो जाती है, घट जाती है। संतुलन कीमत 5 क्या हो जाती है मेरे भाई, घट जाती है। तो क्या हम संतुलन मात्रा निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। संतुलन मात्रा आप कहीं से भी निकाल लो मेरे भाई, संतुलन मात्रा आप कहीं से भी निकाल लो, सेम ही आनी है। अगर यहाँ निकालोगे तो 25 आएगी, वहाँ निकालोगे तो 25 आएगी। यहाँ से संतुलन मात्रा निकालना आसान है, क्यों, एस की वैल्यू हमें क्या दी है, 5P दी है। 5 और पी की जगह हम क्या रख लेंगे भाई, पी की जगह रख लेंगे हम 5, क्या रख लेंगे 5, तो 25। तो संतुलन मात्रा कितनी आ गई भाई, ये तो हो गई संतुलन मात्रा, ये क्या हो गई संतुलन मात्रा, ठीक है। तो संतुलन मात्रा तो आई हमारी कितनी 25 और संतुलन कीमत आई 5। और ये माइनस का चिन्ह दिखाता है कि कीमत में क्या हुई है, कीमत में कमी हुई है। तो कीमत जब 5 रुपये घटी तो हमारी संतुलन मात्रा कितनी बढ़ी, 25 बढ़ी। तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर भाई न्यूमेरिकल का, देखो एक न्यूमेरिकल सोल्व करा दिया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, डन। बार बार कह रहे थे सर एक क्वेश्चन सोल्व करा दो, सर एक क्वेश्चन सोल्व करा दो, करा दिया।
डन मेरे भाई। चलिए अब आपसे पूछा, यदि सरकार 8 प्रति इकाई न्यूनतम कीमत तय करती है, कितनी? 8 प्रति इकाई न्यूनतम कीमत तय करती है, तो उस कीमत पर कितनी इकाइयों की पूर्ति और मांग होगी? अब कीमत की जगह 8 रख दो भाई, ये कीमत दिखाई दे रही है तो इसकी जगह 8 रख दो, तो कितनी मांग होगी? पहले तो मांग निकाल लो, कीमत की जगह 8 रख के मांग निकाल लो। 50 - 5 × 8, 5 × 8 = 40, तो भाई मांग कितनी होगी? 10। मांग कितनी होगी? 10। पूर्ति निकाल लो, क्यों, इसकी वैल्यू क्या है? 5p। इस वाले को करा रहा हूँ इस बार, इस वाले को, सेकंड वाले को, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस वाले को करा रहा हूँ ये, ठीक है? तो क्यों है 5p, 5, कीमत की जगह क्या रखना है 8, तो 5 × 8 = 40। पूर्ति कितनी होगी भाई? 40 होगी। मांग कितनी होगी भाई साहब? 10 होगी। खत्म क्वेश्चन यार, 10 नंबर मिल गए, खत्म करो कहानी, कितना आसान है, डन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, उम्मीद है मेरी क्लास आपको पसंद आई होगी। परवर्ती अनुपात का नियम मैंने आपसे पहले भी कहा भाई, परवर्ती अनुपात का नियम पढ़ लो भाई, हर बार पेपर में आता है, इस बार भी 500% आएगा, ज्यादा नहीं तो, ठीक है? उत्पादन की दूसरी अवस्था दर्शाइए, उत्पादन की कौन सी? दूसरी अवस्था। और उत्पादन की दूसरी अवस्था कौन सी होती है भाई? उत्पादन की दूसरी अवस्था होती है भाई स्थिर प्रतिफल। कौन सी प्रतिफल? स्थिर प्रतिफल। जब उत्पादन ना तो बढ़ रहा होता है, यानी कि जब ना तो एमपी बढ़ रहा होता है, जब ना एमपी घट रहा होता है, बल्कि एमपी क्या होता है? एक स्थिर वैल्यू होता है। स्थिर को इस तरीके से दिखाते हैं, एमपी क्या होता है? एक स्थिर वैल्यू होता है। एक उत्पादक हमेशा इस अवस्था में उत्पादन क्यों करता है भाई? स्थिर अवस्था में इसलिए करता है क्योंकि जब एमपी बढ़ रहा होता है, जब एमपी क्या हो रहा होता है मेरा भाई? बढ़ रहा होता है, तो उसे बहुत ज्यादा लाभ होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस कंडीशन में व्यक्ति जो है वो संतुलन में नहीं है। अगर बात करें एमपी घट रहा होता है तो ये हानि की स्थिति है, यहाँ भी संतुलन में नहीं है। जब उत्पादन स्थिर होता है तो यहाँ पर व्यक्ति संतुलन में होता है, इसलिए एक उत्पादक हमेशा उत्पादन तभी करता है जब वो स्थिर उत्पादन की कंडीशन में हो मेरे भाई, याद रहेगी वाली बात आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वक्रों की बात करते हैं। औसत परवर्ती लागत वक्र आपको, यानी एबीसी वक्र बना के देखना है, बुक में सारे वक्र बने हुए, जाके देखो। औसत परवर्ती लागत उत्पाद वक्र का व्युत्पन्न वक्र होता है, यानी कि आपसे पूछा गया है कि जो एवीसी होती है, यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है, औसत परवर्ती लागत होती है, ये औसत परवर्ती उत्पाद, औसत परवर्ती उत्पाद का मतलब है एवीपी का व्युत्पन्न उत्पादनी होती है, यानी कि फॉर एग्जांपल एवीसी जो होती है 1/एवीपी होती है। बिल्कुल सीधी सी बात है भाई, कारण क्या है? ये फॉर्मूला क्यों काम आता है? क्योंकि जितना ज़्यादा आपका औसत परवर्ती उत्पाद होगा, आपकी औसत लागत उतनी ही क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। जितना ज़्यादा औसत परवर्ती उत्पाद होगा, आपकी औसत लागत उतनी कम होती चली जाएगी, इसलिए एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। जो सेंटेंस मैं बोलता हूँ ना, इन्हें पॉज कर करके, स्पीड स्लो कर करके लिख लिया करो, यही इनके आंसर होते हैं, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको इसमें निकाल के दिखानी है, एएफसी निकाल के दिखानी है, एवीसी निकाल के दिखानी है, एसी निकाल के दिखानी है, एमसी निकाल के दिखानी है। ओ भाई साहब, इतने खतरनाक सवाल, देखो अभी करते हैं इसको। एएफसी, एएफसी निकालने का फॉर्मूला होता है टीएफसी अपॉन उत्पाद यानी क्वांटिटी, डन मेरे भाई। इसके अलावा एवीसी का फॉर्मूला क्या होता है? एवीसी का फॉर्मूला होता है टीवीसी अपॉन क्वांटिटी। एसी का फॉर्मूला क्या होता है? एसी का फॉर्मूला होता है, एसी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? टीसी अपॉन क्वांटिटी, है ना। एमसी का फॉर्मूला क्या है? एमसी का फॉर्मूला भाई TCN - TCN - 1। अब एक बात बताओ, हर जगह TC आ रहा है, TC का फॉर्मूला क्या भाई? TC का फॉर्मूला है TFC + TBC। अब आप कहोगे सर ये वाला सोल्व करा दो ना, मजा आ जाएगा। करा दूंगा भाई सोल्व, चलो कर लो, तुम भी क्या याद रखोगे? पहले इन फॉर्मूलों को उतार लो, फिर इस वाले सवाल को सोल्व करा देता हूँ तुम्हारे लिए, वरना तुम कहोगे सर एक भी न्यूमेरिकल सोल्व तो कराते नहीं, स्किप करा देते हो। चलो इस वाले न्यूमेरिकल को सोल्व कर लो, वरना आप कमेंट बॉक्स में फिर मुझे चार भाषण सुना दोगे, ठीक है? देखो कैसा करते हैं इस न्यूमेरिकल को सोल्व, थोड़ा जूम करता हूं आपके लिए। ये न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है, ऐसा न्यूमेरिकल पेपर में कई बार आ जाता है, तो ठीक है कर लो इसे। देखो इस न्यूमेरिकल को आप इस तरीके से सोल्व करो, सबसे पहले तो आप इसमें लिखो TFC, इधर साइड में लिख लो, मेरे को याद दिला देना आप क्या क्या निकालना है, ताकि मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लूँ। ये चार चीज़ें मेरे को याद दिला देना, डन, क्या क्या हमें सोल्व करना है। चलो इसे थोड़ा सा ऊपर करते हैं, फिर हम मैं सारी निकाल के दिखा देता हूँ तुम्हें, तो बात ही खत्म हो जाएगी। देखो TBC हमें दी हुई है, TFC निकाल लेते हैं। TFC का कॉलम बना लिया हमने, हमने बना लिया है किसका कॉलम है भाई? ये TFC का कॉलम है। TFC क्या निकाल लिया हमने? TFC निकाल ली। देखो कैसे निकालते हैं TFC। TFC अगर 100 है, अगर उत्पादन के 0 पर ये 100 है, तो ये हमेशा 100-100 ही रहेगी, ये बात रट लेना भाई। उत्पादन के सभी स्तरों पर कुल स्थिर लागत हमेशा समान रहती है, हमेशा क्या रहती है? समान रहती है। अब TC निकाल लो, इसी बेस पे क्या निकाल लो? TC निकाल लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें क्या निकालनी है हमें? TC निकालनी है।
टीसी का फॉर्मूला क्या था, टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीवीसी। कैसे निकलेगी मेरे भाई, दोनों को जोड़ो, 100 रहेगा, 150, 170, 181, 120, 260, यहाँ पर 200 हो गया भाई, ये इसको ठीक करो, 220, इसके अलावा ये हो जाएगा 260 और ये हो जाएगा 310। डन भाई, टीसी निकालनी आ गई, टीसी के बाद निकालो भाई मेरे भाई, बहुत सारे कॉलम बनेंगे क्योंकि इसमें सारी लागत निकाल के दिखा रहा हूँ ना तुम्हें। अब देखो टीसी के बाद निकालो मेरे भाई, कैसे निकालोगे, अब टीसी के बाद निकालो एसी, एसी एसी कैसे निकलेगी बता देता हूँ, एसी कैसे निकलेगी बता देता हूँ, फॉर्मूला मैं बताऊंगा भाई, निकाल खुद लेना घर बैठ के, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। टीसी अपॉन क्यू करके निकालनी है, एसी कैसे निकलेगी, टीसी अपॉन क्यू, यानी 100 के नीचे क्या रखना है, क्यू, क्यू की वैल्यू ये होती है उत्पाद, ये होते हैं क्यू, 100 के नीचे जीरो रखूंगा तो क्या आएगा, 100 के नीचे जीरो रखूंगा, 100 का जीरो पार्ट क्या होगा, अनंत, तो एसी पहले होगी अनंत, उसके बाद 150 के नीचे एक रखूंगा तो 150, उसके बाद 200 के नीचे क्या रखूंगा, 170 रखूंगा तो 85। डन, इस तरीके से भाई बाकी की खुद निकाल लेना मेरे भाई, फॉर्मूला आपको बता तो दिया, टीसी अपॉन क्यों होगा। डन, इसके अलावा एबीसी कैसे निकालते हैं, एबीसी की सुन लो भाई कहानी, एबीसी कैसे निकालते हैं, एबीसी निकालने के लिए करना कुछ नहीं है, एबीसी निकालने के लिए एबीसी बराबर टीवीसी अपॉन क्यों, टीवीसी अपॉन क्यों, टीवीसी क्या है भाई, दिमाग लगा लो थोड़ा सा, टीवीसी क्या है, ये रही जीरो, जीरो के नीचे जीरो रखोगे तो कितना आएगा एबीसी, जीरो, 150 के नीचे एक रखोगे तो कितना आएगा 50, 70 के नीचे दो रखोगे तो कितना आएगा 35, बाकी की अपने आप निकाल लेना, थोड़ा थोड़ा सा बता रहा हूँ भाई मैं, कभी तुम सोचो भैया पूरी निकलवा दो, ये थोड़ी होता है भाई, बहुत टाइम लग जाएगा इसे निकलवाने में। डन, आप खुद प्रैक्टिस करना। इसके अलावा क्या निकालनी है, एएफसी निकालनी है, एएफसी का फॉर्मूला क्या होता है, टीएफसी अपॉन क्यू, टीएफसी के नीचे क्यों रख दो, टीएफसी क्या है, 100, 100 के नीचे जीरो रखोगे अनंत, 100 के नीचे एक रखोगे 100, 100 के नीचे दो रखोगे 50, 100 के नीचे तीन रखोगे भाई 33, याद रहेगा 33.33। इस तरीके से एएफसी निकाल लेना, निकाल लोगे। अब आपसे पूछी गई थी एमसी कैसे निकालोगे, एमसी मैंने आपको बताया था टीसी एन माइनस वन, ये एन माइनस वन को गोली मारो, याद रखो पहली सेम होती है, पहली एमसी हमेशा क्या होगी सेम, पहले पे तो आ गई 100, पहले पे क्या आ गई 100, उसके बाद क्या होगी 150 में से 100 घटा दो, दूसरी कितनी आएगी 50, तीसरी कितनी आएगी 170 में से 50 घटा दो, 150 घटा दो 20 आ गई, ये एमसी बता रहा हूँ, 181 में से 170 घटाओ 11 आ गई एमसी, 220 में से 81 घटाओ भाई साहब, 220 में से 81 घटाओ कितनी आ गई 41 आ गई आपकी एमसी, तो नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दो टीसी वाले कॉलम में से, इसे ही कहते हैं एमसी। तो उम्मीद है आपको सारी लागतें निकालनी आ गई होगी भाई, इसका स्क्रीनशॉट अगर चाहो तो ले लो, हालांकि कबाड़ मचा दिया मैंने इसमें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई साहब मांगी गई मात्रा में परिवर्तन क्या होता है, ये मैं करा चुका हूँ, जाके मेरी क्लास देखो, मांग में परिवर्तन क्या होता है क्लास में जाके देखो, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन यानी मांग में संकुचन और विस्तार, मांग में परिवर्तन का मतलब मांग में वृद्धि और कमी, करा चुका हूँ, एक वस्तु की मांग में परिवर्तन के कारण समझाइए, यानी कि यहाँ पर आपको बताने मांग के निर्धारक तत्व, क्या बताने भाई, मांग के निर्धारक तत्व बताने, जो मैं आपको करा चुका हूँ, तो सारे पेपर आप सोल्व कर लो, मांग के निर्धारक तत्व। इसके अलावा निम्नलिखित स्थितियों में कर का भार कौन वहन करता है, कर का भार कौन वहन करता है, जब पूर्ति वक्र पूर्णतः लोचदार होता है, जब पूर्ति वक्र पूर्णतः लोचदार होता है और मांग वक्र नीचे की ओर ढलान वाला होता है, यानी मांग वक्र फॉर एग्जांपल नीचे की ओर ढलान वाला होगा, ऐसे होगा, और पूर्ति वक्र पूरी तरीके से क्या होगा, बेलोचदार होगा। अब पूर्ति वक्र बेलोचदार अगर हमें करना है, पूर्ति वक्र बेलोचदार करना है, तो पूर्ति वक्र कैसा बनेगा भाई, ऐसा बनेगा, पूर्णतः बेलोचदार तो तभी हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में कर का भार कौन उठाता है, टैक्स का भार कौन उठाता है, भाई सीधी सी बात है, जब पूर्ति वक्र पूरी तरह बेलोचदार होगा, यानी पूर्ति को ना तो बढ़ाया जा सकता है ना पूर्ति को घटाया जा सकता है, जबकि मांग क्या है, मांग वक्र तो लोचदार है, मांग वक्र क्या है, लोचदार, और पूर्ति वक्र पूरी तरीके से बेलोचदार, तो ऐसी कंडीशन में कर का भार कौन उठाता है, ऐसी कंडीशन में कर का भार उठाने वाली होती है सरकार, ऐसी कंडीशन में सरकार होती है, क्योंकि उत्पादक के साथ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। इसके अलावा जब पूर्ति वक्र सामान्य आकार का होता है, कैसा, सामान्य आकार, पूर्ति वक्र का सामान्य आकार क्या है मेरे भाई, ये है पूर्ति वक्र का सामान्य आकार। डन, और मांग वक्र पूर्णतः बलोचदार हो, और मांग वक्र को क्या कह रहे हैं, पूर्णतः बलोचदार यानी ऐसा बने, तो ऐसी कंडीशन में कौन उठाएगा कर का भार, ऐसी कंडीशन में भाई कर का भार उठाएगा कौन, टैक्स का भार उठाएगा उपभोक्ता, ऐसी कंडीशन में क्या उठाएगा, टैक्स का भार उठाएगा उपभोक्ता, क्योंकि उपभोक्ता की मांग बेलोचदार है, तो सारा टैक्स किस पे डाल दिया जाएगा, उपभोक्ता पे डाल दिया जाएगा। पर तुम्हें सोचो मांग में बदलाव नहीं कर सकते आप, तो ऐसी कंडीशन में टैक्स भी अगर लिया जाएगा तो उपभोक्ता से लिया जाएगा, ना कि उत्पादक इस टैक्स को पे करेगा। डन, हो अगला है आय उपभोग वक्र क्या होता है, आईसीसी वक्र, ये बिल्कुल बेहुदा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में इस बार नहीं आना,
अगले की बात करें पैमाने की आंतरिक मितव्ययता, ये आज के क्लास में आपको जरूर कराऊंगा मैं कि पैमाने की मितव्ययता से आप क्या समझते हैं और इसके विभिन्न प्रकार समझाइए कि कितने प्रकार की ये होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है मेरे भाई, इसे थोड़ा सा पढ़ लेना। ये आपकी बुक का क्या है मेरे भाई, लास्ट चैप्टर है। ये क्या है, लास्ट चैप्टर। इसके अलावा दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र, एक तो दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र और दीर्घकाल का औसत लागत वक्र बनाइए। दीर्घकाल के बनाने हैं दोनों वक्र, किसके बनाने हैं मेरे भाई, दीर्घकाल के बनाने हैं। इन दोनों के बीच में संबंध भी बताओ, इन दोनों के बीच में क्या बताओ, संबंध भी बताओ दीर्घकाल में। एक तो एम सी वक्र बनाओ दीर्घकाल में और एक ए सी वक्र बनाओ और दोनों के बीच में रिलेशन बताओ। एक अर्थव्यवस्था केंद्र समस्या पास होने वाला क्वेश्चन, ये इजिएस्ट क्वेश्चन है। कितने नंबर में भाई, 12 नंबर में। तीन केंद्रीय समस्याएं होती है, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें। और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में, मिश्रित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हम इन समस्याओं को कैसे हल करते हैं। तो भाई याद रखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था में जैसे भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था में जो फैसले लिए जाते हैं क्या उत्पादन करें, तो समाज को भी ध्यान में रखा जाता है और लाभ को भी, समाज प्लस लाभ दोनों को ध्यान में रखकर फैसले लिए जाते हैं। यानी क्या उत्पादन करेगा, डिसीजन क्या होगा कि ऐसी वस्तु बनाए जिनसे थोड़ा गरीबों का भी कल्याण हो और ऐसी भी वस्तु बनाए जिनसे थोड़ा अमीरों का भी कल्याण हो। इसके अलावा कैसे उत्पादन करें, तो पूंजी यानी मशीन का भी थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल हो, श्रम का भी इस्तेमाल हो, ऐसे फैसले लिए जाते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में। और किसके लिए उत्पादन करें, अमीरों के लिए करें या गरीबों के लिए करें, तो ऐसी वस्तुओं को उत्पादित किया जाता है जो अमीरों के इस्तेमाल की हो लेकिन गरीबों की पहुँच में हो। डन, तो ये वाली बात आपको याद रखनी है, इस तरीके से इनका समाधान किया जाता है। अब बात करते हैं तीनों में अंतर करना है। भाई ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कहा था, यथार्थ मूलक मैंने आपको बताई थी जिसे हम कहते हैं वास्तविक अर्थशास्त्र। इसका दूसरा नाम क्या है मेरे भाई, वास्तविक अर्थशास्त्र। यथार्थ मूलक को क्या कहते हैं हम, वास्तविक अर्थशास्त्र कहते हैं, और आदर्श मूलक को हम, दूसरा नाम है इसका, सकारात्मक अर्थशास्त्र। तो इनमें मैं अंतर करा चुका हूँ, जाकर मेरी क्लास देखना भाई, बार बार एक ही बात को रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। मांग की अपनी कीमत लोच, मांग की अपनी कीमत लोच और मांग की तिरछी कीमत लोच, बेहुदा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। मांग की अपनी कीमत लोच तो बेटे अलग चीज है, लेकिन मांग की जो तिरछी कीमत लोच होती है, ये प्रतिस्थापन प्रभाव यानी संबंधित वस्तु वाला क्वेश्चन है। किसका मेरे भाई, संबंधित वस्तु, जो कि मैं आपको करा चुका हूँ कि पूरक वस्तु और प्रतिस्थापन वस्तु वाली बात है। समोत्पाद वक्र मैंने बताया था, एक ऐसा वक्र होता है जिसके हर बिंदु पर उत्पादन का समान स्तर होता है। सम उत्पाद, सम मतलब समान, उत्पाद मतलब उत्पादन। तो जहां पर जिस वक्र के हर बिंदु पर उत्पादन का समान स्तर हो तो समुत्पाद वक्र, और जिस वक्र के हर बिंदु पर उपभोग का समान स्तर हो, यहां पर उपभोग का समान स्तर होगा, यहां पर उत्पादन का समान स्तर होगा। किसका मेरे भाई, उत्पादन का समान स्तर होगा। इन्हें हम कहते हैं समुत्पाद और त्रस्ता वक्र। एक कारक के प्रतिफल बनाओ पैमाने के प्रतिफल। पैमाने के प्रतिफल किन्हें कहते हैं, जब मशीन भी क्या हो, चेंजेबल हो, मशीन को भी चेंज किया जा सकता हो और श्रम को भी चेंज किया जा सकता हो। जब दोनों को बढ़ाकर उत्पादन यानी पूंजी और श्रम दोनों में परिवर्तन करके उत्पादन बढ़ाया जा सकता हो, उसे पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। और एक कारक का प्रतिफल होता है जब मशीन को आप चेंज ना कर पाए, पूंजी को चेंज ना कर पाए, लेकिन श्रम को चेंज कर सकते हो आप, तो ऐसी कंडीशन को हम एक कारक के प्रतिफल कहते हैं। और भाई ये क्वेश्चन तो पांचवी बार आ रहा होगा पेपर में कि स्टॉक चर और प्रवाह चर में क्या अंतर है, ये मैं आपको करा चुका हूँ, रट लेना अच्छे से, पूरी डेफिनेशन इनकी रट लो। 5-6 क्वेश्चन है, एक क्लास में शाम को ऐसे लूंगा आपकी जिनमें ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको पास कराएंगे, ऐसे क्वेश्चन जो आपको क्या कराएंगे, पास कराएंगे, ऐसे 10 टॉपिक आपको बताऊंगा, तो उसकी क्लास का इंतजार करें। आज के लिए केवल इतना ही भाई, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार मेरे भाई।